नमस्कार पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का 400 पार का लक्ष्य इस बार कितना सहज है या असहज है आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे सबसे पहले इस बात का एनालिसिस करते हैं कि 400 पार का यह नारा सिर्फ एक नैरेटिव घटना है बीजेपी की तरफ से या बीजेपी एक टारगेट के तौर पर इसे वाकई हासिल करना चाहती है मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर बीजेपी इस बार चार पार के लक्ष्य को लेकर सीरियस तो है लेकिन अब बात करते हैं कि बीजेपी का चार पार का लक्ष्य कितना सफल हो पाएगा दो के आम चुनाव में इससे पहले नजर डालते हैं दो आम चुनावों में अकेली बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की थी इस दौरान बीजेपी ने हिंदी पट्टी राज्यों में क्लीन स्वीप किया था पुलवामा बालाकोट जैसे मुद्दे गरमाए हुए थे साथ ही राष्ट्रवाद की लहर पर सवार बीजेपी ने 303 सीटें हासिल कर ली थी एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी तीन का आंकड़ा पार कर चुकी थी इस बार बीजेपी इंडिविजुअली 370 और गठबंधन के साथ 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है लेकिन अब, अब सवाल उठता है कि 400 पार करने के लिए एक्स्ट्रा 50 सीटें कहां से आएगी क्योंकि ना तो पिछली बार जैसे कोई बड़े मुद्दे हैं इस बार उल्टे कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर 10 साल की एंटी इनकमेंसी जरूर है ऊपर से इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जोर लगा रहा है यानी ज़्यादा पड़ा फेरबदल बीजेपी के पक्ष में होने वाला नहीं लगता है हाँ कुछ राज्यों में अपोजिशंस को फ़ायदा जरूर हो सकता है लेकिन बीजेपी ये पचास सीटें हासिल करने के लिए कुछ भी तो करने को तैयार है इस बार बीजेपी सूत्रों से बातें सामने आई थी कि करीब डेढ़ सौ सीटें ऐसी थी जहाँ बीजेपी पिछले दो सालों से काम कर रही थी और उसका गणित बीजेपी बैठाने में लगातार जुटी रही है तो ये बात तो साफ है कि पूरे देश में बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर दिया था कि बीजेपी को 400 की 400 सीटें मिल रही हैं इस बार यानी तमाम तथ्यों गवर्नेंस सब पिक्चर से आउट विपक्ष आज के स्थिति में देखें तो सबसे कमजोर स्थिति में खड़ा है खासतौर से कांग्रेस ऊपर से अपोजिशंस के जहन में ईडी और जेल का खौफ तांडव मचाता रहा है इन चुनावों में ऐसे में बीजेपी ने मौका पाकर दूसरे दलों के मजबूत उम्मीदवारों को इस बार तोड़ा है पूरे देश में कांग्रेस के हजारों बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में तो एक तरह की भगदड़ सी मच गई थी कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों के बड़े नेता भी बीजेपी में ज्वाइन करवाए गए थे चार पार के लक्ष्य को लेकर इस बार एनडीए ने अपना काफी विस्तार किया है इस बार एनडीए में करीब चालीस पार्टियां शामिल हुई हैं सौ सीटों पर बीजेपी ने गठबंधन किया है तो दरअसल यह तो स्पष्ट है कि बीजेपी ये मान चुकी थी कि इस बार मोदी के नाम पर या काम पर तो वोट नहीं मिलने वाला इस बार विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई बीजेपी आईटी सेल द्वारा कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करना केजरीवाल सोरेन को इलेक्शन के एन वक्त पर जेल भेजना चर्चा रही है कि बीजेपी ने हथकंडों के तौर पर इनका बेजा इस्तेमाल किया है चार सौ पार में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साउथ से है क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां तो 2019 में बीजेपी या तो क्लीन स्वीप कर गई थी कई जगह या मजबूत स्थिति में है तो वहां तो जो बेहतर से बेहतर सर्वोच्च कर रहा था वो बीजेपी कर चुके हैं लेकिन साउथ की 130 सीटें इसका गणित अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने इस बार साउथ में खूब जोर लगाया है सबसे पहले केरल और तमिलनाडु की बात करते हैं यहाँ स्थिति में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं कही जा सकती आंध्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों खाली है एक भी सीट नहीं थी 2019 में इस बार बीजेपी ने टीडीपी के साथ यहां अलायंस किया है छह सीटों में से टीडीपी के पांच उम्मीदवार उतारे गए हैं बीजेपी को यहाँ थोड़ा बहुत संभावना है कुछ सीटें निकलने की कर्नाटक तमिलनाडु के सियासी गणित को देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी दो बड़ी पार्टियां हैं साथ ही जेडीएस का भी यहां वर्चस्व रहा है हालांकि प्रज्वल रेवन्ना केस के बाद में मामला थोड़ा डाउन गया है पिछली बार 2019 कांग्रेस जेडीएस अलायंस के साथ बावजूद जे बीजेपी ने 28 में से 26 सीटें जीती थी ऐतिहासिक जीत मानी गई थी लेकिन माना जा रहा है इस बार कर्नाटक में बीजेपी अपनी सीटें रिपीट नहीं कर पाएगी भले ही बीजेपी का जेडीएस से अलायंस है इस बार प्रदेश चुनाव में या कांग्रेस ने अपनी पाँच गारंटियों से विश्वास जमाया हुआ है कांग्रेस मजबूती के साथ यहाँ प्रदेश का चुनाव जीती हुई है सिद्धर रमैया डी के शिव कुमार खड़गे जैसे बड़े रणनीतिकार कांग्रेस के पास यहाँ से आते हैं दूसरी ओर बीजेपी के पास यहाँ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है हालांकि रामेश्वरम ब्लास्ट को सुरक्षा के लिहाज से बीजेपी ने मुद्दा बनाने का प्रयास जरूर किया है लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ अच्छा परफॉर्म करे तो दस से पंद्रह सीटें बीजेपी से छीन सकती है और जो हाल ही का जो मुद्दा है प्रज्वल रेवन्ना का वो इसमें और मदद कर सकता है तो कुल मिलाकर बीजेपी जमकर साउथ से अपना साउथ में अपना पसीना बहा रही है लेकिन साउथ से एक्स्ट्रा सीट मिलना मुश्किल लगता है अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर यहाँ की सियासत काफ़ी हॉट रही है पश्चिमी बंगाल में बीजेपी का दो से पहले अस्तित्व ना के बराबर था लेकिन दो में बीजेपी ने बयालीस में से अट्ठारह सीटें जीत सबको चौंका दिया टीएमसी को तब 22 सीटें मिली थी इसके बाद प्रदेश चुनाव में दीदी ने मोर्चा संभाले रखा और बीजेपी को प्रदेश की सत्ता में फटकने से रोक दिया लेकिन 2019 का जो आंकड़ा था वो अप्रत्याशित था प्रदेश चुनाव में टीएमसी की जोरदार पकड़ रही है ऐसे में बीजेपी कोई नया दाव लगा पाए मुश्किल लगता है यानी बीजेपी के लिए अब यहां 18 सीटों से ज्यादा हासिल करना मुमकिन नहीं लगता है उड़ीसा की बात करें तो यहां 2019 में यहां की टोटल 21 सीटों में से 12 सीटें बीजेडी और 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट मिली थी यहाँ बीजेपी और बीजेडी दोनों में फाइट बराबर की सी लग रही है यहाँ भी कुछ ज़्यादा बदलाव की संभावना नज़र नहीं आती है बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तो यहाँ 2019 में 25 सीटों में से बीजेपी और अलायंस को 19 सीटें मिली थी लेकिन मणिपुर मामला हट रहा है यहाँ पे काफ़ी ज्वलंत रहा है जिसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट ने भी बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था तो यहाँ बीजेपी को फायदा कम नुकसान होने की संभावना ज़्यादा नजर आती है नॉर्थ इंडिया की तरफ रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये वे राज्य हैं जिन्हें बीजेपी का गढ़ कहा जाता है यहाँ बीजेपी को 2019 के चुनावों में 50 फीसदी से ज़्यादा वोट मिला था यहाँ बीजेपी अपने उच्चतम स्तर पर यानी सर्वोच्च स्तर पर जीती जीत दर्ज कर चुकी है अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पहले ही बीजेपी बेहतरीन स्थिति में पहुंच चुकी है हालांकि बीजेपी ने या कांग्रेस से कई बड़े लीडर्स तोड़े हैं या दो से तीन सीटें इधर उधर हो सकती है लेकिन कांग्रेस भी यहाँ आदिवासी अधिकार और एम जैसे मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरी है उत्तराखंड हिमाचल भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है लेकिन यहाँ भी बीजेपी के लिए गुंजाइश खुद बीजेपी ने नहीं छोड़ी है गुजरात में भी हालात स्थिर हैं हालांकि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ हो सकती है कई सालों, कई सालों से कई सालों से बीजेपी यहीं पर जमी हुई है उसके अलावा कांग्रेस के दल बदलुओं को टिकट देने से यहाँ के बीजेपी स्थानीय नेता नाराज हैं यानी इस स्थिति में अगर गुजरात में कांग्रेस और आपके अलायंस को कुछ फ़ायदा हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी पंजाब में श्रोमणी अकाल दल, अकाली दल ने बीजेपी से दोस्ती तोड़ दी है इस बार गठबंधन नहीं है क्योंकि किसान आंदोलन एमएसपी मामले ने पंजाब में बीजेपी के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं जम्मू कश्मीर में भी स्थिति एज इट इज रहने वाली है अब उन तीन राज्यों की बात करते हैं जहां पिछले चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था ये राज्य है रा, राजस्थान हरियाणा और दिल्ली यहाँ की सारी सीटें बीजेपी ने दो में जीती थी राजस्थान की बात करें तो यहाँ बीजेपी ही सत्ता में है इस बार क्लीन स्वीप पिछले चुनाव में बीजेपी कर चुकी है लेकिन इस बार अग्निवीर के साथ ही किसान आंदोलन और जाट समुदाय की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है दल बदलों को टिकट देने से यहाँ भी बीजेपी के बड़े लीडर्स नाराज हैं हरियाणा में भी अग्निवीर योजना के खिलाफ नाराजगी है किसान आंदोलन का असर रहा है बात करते हैं दिल्ली की तो दिल्ली की को दिलवालों की ही नहीं कहा जाता और इसको एक मायने में प्रूव भी करती आई यहाँ की जनता स्टेट इलेक्शन में या केजरीवाल को तो लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी को भर भर कर वोट दिया जाता है लेकिन माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने दिल्ली का दिल तोड़ दिया है केजरीवाल को जेल में डालकर ऐसी चर्चा है यहाँ और इसका नकारात्मक असर बीजेपी को झेलना पड़ेगा चुनावों में क्योंकि तो केजरीवाल के प्रति दिल्ली में जोरदार सहानुभूति की लहर नज़र आ रही है इस बार झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अभी मजबूती के तरह खड़ी हुई पूर है पूर्व सीएम को लेकर एक सिंपैथी वेब है चौदह में से बीजेपी 2019 में 12 सीटें पहले ही जीत चुकी थी यहाँ पर इस बार फायदा कम नुकसान की संभावना है बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें देने वाले राज्य यूपी की ओर रुख करते हैं पिछली बार यहाँ अस्सी में से बीजेपी को बासठ सीटें मिली थी यहाँ भी बीजेपी अपने उच्चतम सफलता वाले पायदान पर पहुंच चुकी थी पहले ही फिर भी बची हुई सीटों को जीतने की मशक्क़त में है सोशल इंजीनियरिंग का पूरा काम यहाँ पर बीजेपी ने किया है राम मंदिर का यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा छाया रहा है जो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में छाया है यूपी में इस बार बीजेपी 80 सीटों पर क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है अब चलते हैं आर्थिक नगरी से जुड़े स्टेट महाराष्ट्र की ओर यहाँ 48 सीटें हैं पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलायंस ने इकतालीस सीटें जीती थी कांग्रेस एन सी अलायंस के पास पाँच सीटें थी लेकिन अब ये फिगर कोई काम का नहीं रहा है क्योंकि एन सी और शिवसेना विभाजित होकर दो दो टुकड़ों में बट चुकी है मौजूदा हालातों में यहाँ उद्धव ठाकरे के प्रति सिंपैथी है उन्हें जिस तरह ख़तरनाक राजनीति के तहत सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था वो गुस्सा महाराष्ट्र की जनता के जहन में अभी भी दबा हुआ है महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी हिंदुत्व विचारधारा को लेकर प्रचार कर रही है यहाँ बीजेपी ने मन से गठबंधन कर खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है यहाँ रहने वाले उत्तर भारतीयों में इसे लेकर खासी नाराजगी है आखिर में बिहार की ओर रुख करते हैं यहाँ दो में चालीस में से उनतालीस सीटें जीती थी एन ने गठबंधन में बीजेपी जे और एल पार्टी थी जे कुछ महीनों के लिए जरूर इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो गई थी लेकिन वापस 2024 के चुनाव से ठीक पहले एनडीए में जेडीयू वापस आ गई बिहार की मौजूदा राजनीति में नीतीश की छवि धूमिल हुई है उनके विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं लेकिन इस बार तेजस्वी ने अच्छा काम किया है अच्छे नेता के तौर पर वे यहाँ उभरे हैं यहाँ इस बार अग्निवीर योजना के साथ ही रोजगार के मुद्दों को आर ने जमकर उठाया है आर इंडिया गठबंधन के साथ है यहाँ बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी अपने पिछले फिगर्स से ऊपर सीटें जीतें ऐसा कम ही संभावना है बिहार में क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यहां सर्वोच्च रहा है अब इस सर्वोच्च शिखर से ऊपर बीजेपी लगता नहीं कुछ कर पाएगी हालांकि 400 पार का फिगर देश में 1984 में कांग्रेस पार कर चुकी है कांग्रेस को जब 414 सीटें मिली थी लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या से जोरदार वाली जो सिंपैथी की लहर थी वो उठी थी इस बार ऐसा कुछ नहीं है ये इस बार मुश्किल लगता है बाकी सब जनता जनार्दन पर निर्भर करता है फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त जयपुर से जनता दरबार के लिए विजय वर्मा